हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेंस मैं हूं स्वाति आपकी स्पोकन इंग्लिश की एजुकेटर और आज के वर्ड ऑफ द डे में योर मोस्ट वेलकम अब जितने लोगों ने सेंटेंसेस जो लोग बना रहे हैं योर सेंटेंसेस आर माइंड ब्लोइंग आई लव इट मजा आता है मुझे आपके सेंटेंसेस पढ़ने में एंड अफकोर्स कोई भी मिस्टेक होती है तो आई ऑलवेज टेल यू थैंक यू सो मच उसके लिए एंड आज का जो हमारा वर्ड ऑफ द डे है वो क्या है इट इज़ प्लजबल प्लॉजिबल Plausible. इसको हम हिंदी में कैसे प्रोनाउंस करेंगे Plausible. Plausible. बल बोलो इसको Plausible. ठीक है so, सो अब plausible मतलब होता है जिस बात पे विश्वास हो सके जिस इंसान पे विश्वास हो सके ऐसी कोई चीज़ जिस पे जो विश्वसनीय लगे उसको हम प्लॉजिबल कहते हैं जैसे कि सीमिंग लाइक सॉरी एग्जाम मतलब इसका मीनिंग क्या है सीमिंग लाइकली टू बी ट्रू और एबल टू बी बिलीव्ड जैसे कि आप जो हो आपने होमवर्क नहीं किया अब आपने मैम को एक प्लॉजिबल रीज़न दिया कैसा रीज़न दिया प्लॉजिबल रीज़न या प्लॉजिबल एक्सक्यूज़ दिया मतलब ऐसा एक एक्सक्यूज़ जो कि ईजिली बिलीव किया जा सकता है या आपको एक ऐसा कोइंसिडेंस हुआ आप अपने फ्रेंड से मिले और उसने कुछ कहा आपने कुछ कहा और आपको ये यकीन हो गया कि ये तो कोई था ये प्लान नहीं था जैसे हम टीवी शोज देखते हैं हम टीवी शोज देखते हैं और नच बलिए एंड अभी क्या होता है डांस इंडिया डांस इंडिया गॉड्स टैलेंट एंड ऑल समथिंग आई डोंट वॉच टीवी तो मुझे बहुत सारे नाम नहीं पता है लेकिन जब आप ये सारे रियलिटी टीवी शोज देखते हो तो आपको क्या लगता है आपकी आंखों में कभी आंसू आ जाते हैं हमारे सारे जजेस तो रोने के लिए ही बैठे रहते हैं वहाँ पे ऐसा लगता है कि भैया जहाँ कुछ हुआ सबसे पहले टप 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 आंसू आ जाते हैं या सैडनेस आ जाती है लेकिन वो उस वक्त देखते टाइम कैसा बिलीवेबल लगता है ना कि वाकई ये सब हो रहा है जबकि एवरी थिंग इज स्क्रिप्टेड हर कुछ स्क्रिप्टेड होता है बिग बॉस में अगर आप बिग बॉस देखते हो तो आपको लगता है ये सब हो रहा है और आपको ऐसा लगता है ओ माई गॉड इसने ये बोल दिया उसने ये कर दिया जबकि वो सब स्क्रिप्टेड होता है तो ये सब अपन को प्लॉजिबल लगता है कैसा लगता है प्लॉजिबल लगता है मतलब जिसपे आप इजीली विश्वास कर सकते हो अब आपको प्लॉजिबल का मतलब समझ में आ गया बहुत जल्दी विश्वसनीय लगने वाला जिस पे आप इजीली विश्वास कर सकते हो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं व्हेन नेहा फो टू डू हर होमवर्क शी केम अप विद अ प्लॉजिबल एक्सक्यूज जब नेहा ने अपना होमवर्क नहीं किया था जब वो भूल गई अपना होमवर्क करना तो अब होमवर्क तो नहीं किया तो शी केम अप विद अ प्लाजिबल एक्सक्यूज उसने एक बहुत ही प्लॉजिबल मतलब ऐसा एकदम जिसपे बिलीवेबल एक्सक्यूज दिया नेक्स्ट इज शी कड फाइंड नो प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन फॉर इट्स डिसपेयरेंस अब आप जो हो जैसे कि लेट्स uh, की एक मैजिक शो में हो ओके okay? या फिर आप जो हो एक घर में हो एक हॉन्टेड हाउस में हो और हॉन्टेड हाउस में आप एंटर करते हो एंटर करते ही वहाँ पे सेंटर में एक बहुत बड़ा किसी कोई स्टेच्यू रखा होता है जैसे ही आप उस स्टेच्यू के पास जाते हो तो वो डिसअपेयर हो जाता है मतलब वो गायब हो जाता है अब आप जो हो बिल्कुल ये भूत प्रेत और मैजिक पे बिल्कुल विश्वास नहीं करते बट राइट नाउ यू आर नॉट एबल टू फाइंड अ प्लॉजिबल एक्सक्यूज़ फॉर दिस और प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन फ़ॉर दिस कि अचानक से डिसपेयर कैसे हो गया मतलब आपके पास कोई बिलीवेबल एक्सप्लेनेशन है ही नहीं हिज स्टोरी साउंडेड परफेक्टली प्लाजिबल अब उसको पुलिस वाले ने पकड़ लिया और पुलिस वाले ने जैसे ही पकड़ लिया कि नहीं नहीं ऐसे कैसे आपका हेलमेट कहाँ पे है या ये कहाँ पे है उसने इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया कि सबने उस पर विश्वास कर लिया सो हि स्टोरी साउंडेड परफेक्टली प्लॉजिबल कैसी लगी परफेक्टली प्लाजिबल सो प्लाजिबल बहुत ही इजी वर्ड है अब आप इसको यूज़ करोगे यू यू विल क्रिएट थ्री सेंटेंसेस एंड मेरे साथ शेयर करोगे इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे जो चीज़ बिलीवेबल है तो उसको हम बिलीवेबल बोलेंगे जो मतलब बिलीवेबल मतलब ऐसी चीज़ कि हाँ भाई इमेजिन कर सकते हो लेकिन अगर मैंने इसकी जगह ये कहा कि वो मेरे पास आया फिर वो हवा में उड़ने लगा फिर उसके हाथों में से अचानक से जो है स्वर्ण मुहरें जो है वो गिरने लगी तो दैट इज़ नॉट इमेजिनेबल राइट right? आप उस पर विश्वास नहीं करोगे सो दैट इज प्लॉजिबल मतलब बिलीवेबल इमेजिनेबल या कन्विंसिंग जिसको आप इजीली मान जाओ एंटेम्स क्या हो जाएंगे अनलाइकली नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता या अनबिलीवेबल सिंपल सो दैट वॉज द वर्ड ऑफ द डे आई होप आपको ये वर्ड समझ में आ गया होगा ठीक है और जब यू uh, नो you know, आप सेंटेंसेस uh, क्रिएट करोगे तब मेरे को प्लॉजिबल रीजन मिलेगा ये विश्वास करने के लिए या ये समझने के लिए कि हाँ आपको ये सेंटेंस समझ में आ गए हैं थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी सारे वीडियोस के लिए प्लीज विजिट अवर वेबसाइट मैग्नेट ब्रीन्स डॉट कॉम जहाँ पर स्पोकन इंग्लिश टैब आपको होम पेज पर मिल जाएगा जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे यू विल फाइंड दिस वॉच नाउ पर क्लिक करना और आपके पास सारे चैप्टर वाइज वीडियोज़ आ जाएंगे वर्ड ऑफ द डेज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लेवल अप एक्सेट्रा बस क्लिक करो एंड दिस इज हाउ योर वीडियो विल स्टार्ट थैंक यू सो मच वंस अगेन डिन नॉट फॉर्गेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और हाँ सेंटेंसेस क्रिएट करना मत भूलना टेक केयर बाय